नमस्कार, मैं जून मैसी, आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं जंतर मंतर पे। जंतर मंतर पे तमाम प्रोटेस्ट हम आपको दिखाते हैं, लगातार लोगों की जो मांग है हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज यहां पर प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, देश के लिए प्रार्थना हो रहा है। हम आपको यहां पर दिखाते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है, धर्म, जाति, भाषा, समाज, बहुजन की आड़ में हर अन्याय समाप्त हो जाए। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से लोग हैं और हमारे साथ फिलिप जी हैं। हम लोग बातचीत करेंगे कि आज इन्होंने क्यों जंतर मंतर पे भी आखिर में क्यों फास्टिंग और प्रे रखने की आपको इरादा हुआ सर, के और भी तो जगह थे सर। देखिए, आपने जो सवाल करा बहुत अच्छा करा है। यहाँ पर अधिकतर प्रोटेस्ट होते हैं, रैली होती है, धरना प्रदर्शन होता है। मगर हम चाहते हैं इस देश के अंदर एक भाईचारा, एक अमन, एक शांति स्थापित हो, तो क्यों ना ऐसी जगह से शुरुआत की जाए जहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं, जहाँ पर एक पॉलिटिकल एजेंडे को लोग अपनी डिमांड को लेने के लिए सरकार से बात करते हैं। तो क्यों ना हम यहाँ बैठकर सरकार से एक संवाद स्थापित करें, वो एक उपवास के जरिए, वो एक प्रार्थना के जरिए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आज भारत में मैं समझता हूँ नया है, मगर लोगों के लिए एक अजीब, मैं कह सकता हूँ, हो सकता है कि अजीब हो, मगर हम चाहते हैं इसी जंतर मंतर से हम सरकार से संवाद स्थापित करें इस देश के भाईचारे, अमन, शांति के लिए, प्रार्थना और उपवास के द्वारा। सर, इसमें आप लोगों ने जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ बाइबल की वर्स भी लिखा हुआ है, हमने देखा जो सच्ची शांति मैं तुम्हें देता हूँ, जैसे बाइबल की तरफ से आप लोगों ने ये वर्स निकाल के यहाँ पर लगाए। यहाँ पर कुछ जस्टिस की बात भी कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि देश में ऐसा क्या चीज़ हो रहा है जिसकी वजह से आपको लगा कि प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी हो चुका है? देखिए, भारत में अभी पिछले कुछ सालों से, मैं किसी सरकार का या किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं कहूँगा भारत का जो एक तहजीबी थी, गंगा जमुना तहजीबी थी, कि जो भाईचारा था, एक विश्वास था, एक आपस में प्यार प्रेम बना हुआ था, वो किसी हद तक जो है ख़त्म होता जा रहा है। इसमें हमारे अपने ही लोगों का जो है कहीं ना कहीं विश्वास कम होता जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि अब देखिए, कोई भी चीज़ है, भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो विरासत है, या किसी भी देश की जो सभ्यता है, उसके अंदर धर्म जरूर होता है। उस धर्म के साथ जुड़कर हम एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं, अगर हम सचेत हैं, जागरूक हैं तो। क्योंकि धर्म जो है आपको दूसरे पायदान पर भी लेके जा सकता है, धर्म की आड़ में हम लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं, धर्म से दंगा फसाद भी हो सकता है, मगर धर्म के द्वारा अगर हम अच्छे समझ रख कर चले तो हम धर्म के द्वारा अच्छे काम भी कर सकते हैं और विकास भी देश का कर सकते हैं और आपस में भाईचारा भी बना सकते हैं। क्योंकि धर्म ये सिखाता है कि हमें आपस में प्यार, प्रेम, क्षमा रखना चाहिए। तो धर्म से बहुत कुछ चीज़ें निकलती हैं, अभी हमारे पर है कि हम धर्म को किस तरीके से समझें। सर, जब धर्म की बात आए, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे क्रिश्चियन लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, या कितना हद तक सच्चाई है, या आप अच्छे से बता सकते हैं कि क्रिश्चियन लोग दूसरे जो समुदाय के लोग हैं उनको कन्वर्ट करते हैं, कितना तक मानते हैं कि ये सही है? ये पूरी तरीके से निराधार है कि हम कन्वर्ट करते हैं या ईसाई बनाया जाता है। ये कोई दाल चावल या आलू प्याज नहीं है कि इसको बना लिया जाए, उबाल कर वो ईसाई बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मान्यता के द्वारा, हमारे बाइबल की मान्यता के द्वारा, हमारा परमेश्वर जो है लोगों को चुनता है। कभी भी कोई इंसान, कभी कोई ईसाई नहीं बनता या मुसलमान नहीं बनता, ईश्वर उनको चुनता है। उनको सत्य का बोध होता है, जब उस सत्य का बोध उनको होता है तो उस सत्य को जब जान जाते हैं तो उस सत्य की ओर चलने लगते हैं। तो यही एक मसीहत के अंदर है कि जीसस जब उनको चुनते हैं, जब उनको सत्य का बोध होता है, उनको पता लगता है कि सत्य क्या है, तो वो ईश्वर के पीछे पीछे चलने लगते हैं और जीसस को समझने लगते हैं। जब आदमी जीसस को समझता है तो वो जीसस के पीछे पीछे चलने लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं तो इतना जानता हूँ कि कहीं कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा है। धर्मांतरण से भी खोखला एक लोगों को नारा है कि अगर किसी से कोई किसी पर दबाव बनाना या प्रेशर बनाना तो उसको बोल दो धर्मांतरण। धर्मांतरण कहाँ हो रहा है? इस देश के अंदर 200 साल ईसाइयों ने राज किया, ब्रिटिश ने राज किया। अगर वो चाहते तो पूरे देश को जो है ईसाई बना देते, मगर उन्होंने नहीं बनाया। ये कोई ईसाई ऐसे नहीं बन जाते। परमेश्वर का जिनको ज्ञान प्राप्त होता है, जिनको बोध होता है, जिनको सत्य का पता चलता है, वो ईश्वर के पीछे। ईसाई लोगों की बात है, आपने फिर ब्रिटिशर्स को ले आया, तो एक क्वेश्चन मेरे मन में आया कि ब्रिटिशर्स अगर इतना सही में प्रभु को मानने वाले होते जैसे बाइबल कहते हैं, तो हमारे देश में इतना बुरी परिस्थिति तो नहीं पैदा होते सर? देखिए, बुरी जो परिस्थिति आज जो बनी है वो इंसान के द्वारा बनी है, वो किसी भगवान के या किसी जीसस के द्वारा नहीं बनी, ये इंसान ने बनाई है। क्योंकि इंसान अपने फ़ायदे के लिए काम करता है, मगर ईश्वर जब भी काम करता है वो पूरे संसार के लिए काम करता है। इंसान जो है वो अपने फ़ायदे के लिए काम करता है। आज जो सरकार बैठी है, हो सकता है ये अपने फ़ायदे के लिए काम कर रही है। आप, मैं क्या, पूरा देश, पूरा भारत जानता है कि आज जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है वो टोटल उनका एक एजेंडा है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का। तो शायद हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें उन्होंने गलत कही हैं, कुछ गलत नीतियाँ बना दी हों, कुछ गलत योजनाएँ बना दी हों,
और उसी का ये परिणाम है कि देश के अंदर इस प्रकार का जो है भाईचारा खत्म हो गया। और मैं समझता हूँ देश के अंदर एक देश का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसी सरकार मिली कि आज पूरे देश का जो एक सिस्टम था वो व्यवस्था खत्म हो चुकी है। आपको क्या लगता है सर, आज की जो फास्टिंग और प्रार्थना आप लोगों का 2 दिन का फास्टिंग प्रे आप लोगों ने रखा है, तो इससे बदलाव होगा प्रधानों के लिए? आप लोग प्रार्थना करें देश के प्रधानों के लिए, जैसे बाइबल कहते हैं इस बात को, तो आप मानते हैं कि सही में हमारे देश में अमन और शांति बने रहेंगे? देखिए, हमारा काम है प्रयास करना। फल गीता भी यही कहती है और बाइबल भी यही कहती है, फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। हमारा काम है प्रयास करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, ताकि हमारे देश में भाईचारा अमन बना रहे। हमने अपना काम कर दिया, बाकी ईश्वर के हाथ में और इन लोगों के हाथ में जो हमारी बात को समझ सके। ठीक है सर, यहाँ पर कितने लोग होंगे टोटल? आप लोग कितना, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? देखिए, बात नंबर की नहीं होती है, क्रांति एक आदमी करता है, चाहे भगत सिंह ने करी हो, चाहे ईश्वर ने, ये जीसस ने करी हो। जीसस अकेला था, जीसस ने पूरे संसार को बदल दिया और वो इतना बड़ा क्रांतिकारी था, मैं उनको क्रांतिकारी की नज़र से देखता हूँ। उससे बड़ा क्रांतिकारी पूरे विश्व में कभी नहीं हुआ और ना कभी होगा। एक अकेले इंसान ने पूरे विश्व का नक्शा चेंज कर दिया। आज पूरे संसार के अंदर सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो है क्रिश्चियंस की है और वो अकेला क्रांतिकारी था। तो क्रांति अकेला आदमी भी कर सकता है, बात नंबर की नहीं है। मैं कहता हूँ यहाँ 10 आए, चाहे 20 आए, चाहे 50 आए, बट जो लोग यहाँ पर आएंगे वो क्रांतिकारी लोग होंगे जो जीसस को समझते होंगे। आपका कहना है कि ज्यादा लोगों से नहीं होता, चाहे एक ही लोग हो लेकिन वो क्रांतिकारी होना चाहिए, बिल्कुल बदलाव लाना चाहिए। आप कहाँ से है सर? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से, क्या नाम है सर? मेरा नाम पैट्रिक है। क्या कहना चाहते हैं आज फास्टिंग प्रे में आप लोग आए हैं यहाँ पर? हम आपको क्या लगता है सर, जैसे अभी गाना चल रहा है कि मेरी आंखें खोलो यीशु जी, तो आपको लगता है कि देश में जिस तरीके का माहौल है, जातिवाद आपस में लड़ रहे हैं, भाईचारे खत्म हो चुका है, आप लोगों का आज प्रार्थना और फास्टिंग बदलाव ला सकते हैं? देखिए, एक सिर्फ प्रार्थना ही एक ऐसी चीज़ है, जब ऑपरेशन थिएटर पे डॉक्टर के हाथ से कोई इंसान जाने वाला होता है तो डॉक्टर के हाथ में कुछ नहीं होता। डॉक्टर क्या कहता है आगे, उनके जो कर्जन होते हैं या उनकी वाइफ या हस्बैंड या उनके रिलेटिव होते हैं, उनका क्या कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, आप सिर्फ प्रार्थना करो। जब हमारे को लगा हमारे देश के अंदर अब कुछ हो नहीं सकता, और भी पार्टियां थी, इस बीजेपी से जो सरकार हमारी चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार इस टाइम चल रही है, उससे पहले जो आपकी कांग्रेस की थी, उससे पहले और भी थे, आते रहे बनते रहे। हमारे देश को 71 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन आज तक हमारे देश में नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, ये सब होता रहा। तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रभु यीशु मसीह से हम प्रार्थना कर रहे हैं, उस परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम किसी को मेमोरेंडम देना, हमने किसी को एजेंडा देना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम उस ईश्वर से प्रार्थना करें। जो लोग यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन करते हैं जंतर मंतर में, पूरे देश से आके यहाँ पे करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना, प्रभु हमारी सरकार की आँखें खोलो, समझ उनको समझ दो कि हम लोग जो यहाँ पे अपने देश में, भारत देश में रहते हैं, उनमें शांति आ जाए, प्रभु उसमें शांति दे दो, हमारे देश में सब लोग इक्वल हो जाए, सब लोग एक दूसरे की इज्जत करें, जो बहन बेटी रात को निकलने डरे ना, सब लोग मिलजुल के काम करें, हम तो ये चाहते हैं। और मसीहत ऐसी चीज़ है जिससे शांति चाहती है। कभी आपने सुना होगा मसीहत के लोगों ने या मसीह लोगों ने किसी पर हमला किया या मसीह लोगों ने ऐसा कुछ किया? मसीह लोग सिर्फ ये कहते हैं कोई मेरे गाल में थप्पड़ मारे, हम दूसरा गाल आगे कर देंगे। नहीं, आपका कहना जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लेकिन अभी आप लोगों के ऊपर अलग अलग तरीके के इल्ज़ाम भी लगाए जाता है कि आप लोग लोगों को धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि लोगों को हेल्प करने के लिए तो आप लोग बहुत आगे रहते हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, और कुछ लोगों का इस तरीके का भी कहना होता है। लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुए थे प्रेस क्लब में, तो उनका भी यही कहना है कि हर चीज़ों में, शिक्षा में या अस्पताल की कोई भी सुविधा के लिए मसीह लोग बहुत आगे चले जाते हैं, लेकिन ये धर्म परिवर्तन कर देते हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ, धर्म परिवर्तन पर अभी बात ये हुई थी कि हमारे देश में ब्रिटिश सरकार ने 200 साल राज किया, और जो ब्रिटिश थे वो क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन ही थे, नहीं कुछ और थे ही नहीं वो। अगर वो चाहते तो वो क्या करते, वो हमारे जो इंडियंस लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, उनमें थोपते कि आपको क्रिश्चियन ही बनना है भाई, आप कुछ नहीं होगा देश में। 200 साल बहुत होता है, 200 साल राज करने के बाद अगर ब्रिटिश लोग चाहते, सारे क्रिश्चियन होते यहाँ पे।